दोस्तों अभी तक आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइबर मूड को ऑन ही नहीं कर रखे हो। आपको अपने चैनल पर सब्सक्राइबर मूड को ऑन करना पड़ेगा। जब तक आप सब्सक्राइबर मूड को ऑन नहीं करोगे तब तक आपके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, और जैसे ही आप सब्सक्राइबर मूड को ऑन कर देते हो तो आपके हर मिनट में सब्सक्राइबर बढ़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो ये एक चैनल है, और इस चैनल पर देख सकते हो सब्सक्राइबर कितनी तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप भी सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, और सब्सक्राइबर मूड को कैसे ऑन किया जाता है सारा सब कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो कर देना ज्यादा से ज्यादा लाइक दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं गोलू कुशवाहा, आप देख रहे हो टेक बास्केट। तो ले चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहां पर दिखाते हैं और समझाते हैं किस तरीके से आपको सब्सक्राइबर मोड को ऑन करना है और क्या करना पड़ेगा जिससे आपको हर मिनट में सब्सक्राइबर मिलने वाला है। तो ध्यान से देखो इस वीडियो दोस्तों। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब के होम पेज पर जैसे ही हम आ जाएंगे तो नीचे की तरफ देख सकते प्लस का आइकन बन के आ रहा है। इस प्लस के आइकन पे हमें क्लिक करना है यहाँ पर, और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ लाइव का ऑप्शन मिलेगा, और लाइव को यहाँ से ऑन कर देना है। और जैसे ही आप लाइव को ऑन करोगे तो दोस्तों आपको डायरेक्ट लाइव पर नहीं जाना है, आपको क्या करना है यहाँ पर जाना है इस पेंसिल वाले आइकन पर, और इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको टाइटल लिखने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आपको एक टाइटल लिख देना है। कैसा टाइटल लिखना चाहिए, जिस टॉपिक पर आप लाइव कर रहे हो उस टॉपिक पर आपको टाइटल लिखना है। दोस्तों आप सोच रहे होगे कि ऐसा वीडियो तो मैंने पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मिलेगा वो चीज आपको नहीं मिलेगी। लाइव स्ट्रीमिंग चलाने के लिए सभी लोगों ने बताया होगा, लेकिन जहां से सब्सक्राइबर मोड को ऑन किया जाता है वो चीज नहीं बताई होगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, ज्यादा दिमाग लगाने वाले यहाँ से वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। अगर समझना है तो ध्यान से समझ लें। तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं लाइव चैनल चेकिंग, मैंने यहाँ पर डाल दिया है अपना जो हमारा यहाँ पर टाइटल है उसको हम डाल रहे हैं यहाँ पे लाइव चैनल चेकिंग, ये हमने डाल दिया। डालने के बाद अपने चैनल का यहाँ पर फ्री सब्सक्राइबर यहाँ पे डाल दिया फ्री सब्सक्राइबर यहाँ पर। इसके बाद अपने चैनल का नेम डाल देते हैं, यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देते हैं टेक बास्केट, ठीक है। सिंपली हमने डाल दिया। अब इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है। इसको हमने किया कॉपी सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद अब नीचे की तरफ आना है, और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो अनलिस्टेड है ना, इसको अभी पब्लिक नहीं करना है। बहुत सारे लोग तुरंत पब्लिक कर देते हो, आपको पब्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको अनलिस्टेड ही रहने देना। इसके बाद ऑडियंस सेलेक्ट करना है नो पर। इसके बाद नीचे ऐड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन पे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक करने के जो हमने टाइटल लगाया था उस टाइटल को यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद हैशटैग 2-3 लगा देना है, लाइव स्ट्रीम जैसा कि हमने लिख दिया यहाँ पर लाइव स्ट्रीम मूड, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद इतना हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। बाकी आगे यहाँ पर देखो करना क्या है, यहाँ पे आना है आपको यहाँ पर ये शेड्यूल फॉर लेटर पर जाना, और यहाँ पे इसको ऑन करना है। यहाँ पे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आज कितनी डेट है, यहाँ पर 8 तारीख है, तो 8 तारीख को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अभी कितना टाइम हुआ है, 12:50, हम यहाँ पर कर देते हैं 2 बजे का लिंक यहाँ पर। जैसा ही हम डालेंगे यहाँ पे 2 बजे का लिंक डाल देते हैं, ठीक है, 2 PM, और इसके बाद ओके कर देते हैं। ये हमारा शेड्यूल में लग गया। अब यहाँ पर क्या करना है ध्यान से समझना, यहाँ पे एडवांस सेटिंग आ रहा है, इस एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर अलाउ चैट दिया गया है, ये ऑन है। अलाउ रिएक्शन, इसको भी ऑन कर देना है। एनेबल मोनेटाइजेशन, जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो ये ऑप्शन मिलता है, इसको भी ऑन कर देना है, तभी आपके लाइव पर एड्स जो आएंगे उसका रेवेन्यू आपके वीडियो पर जुड़ेगा, तो इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इस चैनल पर आप प्रमोशन करते हो वीडियो के लाइव के माध्यम से तो इसको भी ऑन कर देना है, नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बैक जाना है, नेक्स्ट कर देना। जैसे यहाँ से नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर सिंपली देखो ध्यान से करना क्या है, यहाँ से जैसे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद अब ये देखो लाइव हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमें थंबनेल लगाने के लिए बोलेगा, तो थंबनेल कैसे लगाते हैं, यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक थंबनेल अपलोड थंबनेल, तो यहाँ पर हमें क्या करना है अपलोड थंबनेल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। गैलरी जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पर हमने जो थंबनेल लगाए होंगे, जो बनाया होगा वो थंबनेल आ जाएगा। तो अभी हमने थंबनेल नहीं बनाया है, आपको अगर बनाया हो तो सिलेक्ट कर सकते हो, या तो भी डायरेक्ट आप टेक फोटो कर सकते हो यहाँ से, ठीक है।
इसके बाद नीचे की तरफ जब आओगे तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है गो लाइव, तो आपको गो लाइव तुरंत ही नहीं करना है। आप तुरंत गो लाइव कर देते हो लेकिन नहीं करना, यहाँ पर आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ डन वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया, इतना काम यहाँ से हो चुका है। अब हमें डायरेक्ट कहाँ पर जाना है, अभी यहाँ पर बहुत सारे काम करना है, अभी सब्सक्राइबर मोड को ऑन करना है, बहुत चीजें करनी है अभी बाकी यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ से हम चले जाएंगे बैक, यहाँ से हमने बैक कर दिया। बैक करने के बाद यहाँ पर अपने वाइट यूट्यूब को फिर से खोलेंगे, ठीक है, और यहाँ प्रोफाइल पर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर वीप चैनल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइव लिख कर आ रहा है, इस लाइव पर क्लिक करेंगे। लाइव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ये वाला वीडियो आ गया जो कमिंग सून, देखो अपकमिंग शेड्यूल लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये हमारा वीडियो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा लाइव है। अब ये लाइव कब होगा, 8 अक्टूबर 14 यानी कि 2 बजे, और ये 67 मिनट्स बाद लाइव हो जाएगा, यहाँ से पब्लिश हो जाएगा ऑटोमेटिक, हमें 2 बजे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर देखो सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इस सेटिंग्स के ऑप्शन में चले जाते हैं। अब यहीं पर आपको जितने मिनट में आपको सब्सक्राइबर चाहिए उतने मिनट का यहाँ पर सब्सक्राइबर मोड को ऑन कर देना है। यहाँ पे आपको सेट करना होगा टाइमिंग कि इतने टाइम तक हमें सब्सक्राइबर चाहिए, तब यूट्यूब को पता चलेगा कि आपको कितना सब्सक्राइबर कितने मिनट में चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा है चैट फिल्टर और कमेटी मॉडरेट, तो यहाँ पर कमेटी मॉडरेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ध्यान से समझो, यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है लाइव चैट पार्टिसिपेट मोड एनी वन मैसेज डिले, दोस्तों इस लाइव चैट पार्टिसिपेट मोड एनी वन पे यहाँ पर क्लिक कर देना। अब हमें क्या चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो एनी वन पर क्लिक है, यहाँ पर नीचे की तरफ सब्सक्राइबर लिख कर आ रहा है, यहाँ मेंबर लिख कर आ रहा है, लाइव कमेंट्री लिख कर, तो हमें क्या चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हमें सब्सक्राइबर मोड पर लगाना होगा। और जैसे ही हम सब्सक्राइबर मोड पर लगाते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन टाइम, दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको मिनिमम कम से कम समय यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का टाइम देना होगा कि कितने मिनट में आपका सब्सक्राइबर आना चाहिए आपके चैनल पर। तो यहाँ पर हम करेंगे क्लिक, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कहेगा 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। दोस्तों आपको 1 मिनट में चाहिए, 5 मिनट में चाहिए, 10 मिनट में चाहिए, 20 मिनट में चाहिए, लेकिन हमें कम से कम समय यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर हमें 1 मिनट पर सेलेक्ट करना है। तो इस 1 मिनट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों कि हमारे चैनल वीडियो पर जितने लोग आएंगे वो 1 मिनट में हमें सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे। तो हमें सब्सक्राइबर चाहिए, तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कैसे, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखो टैग बास्केट सब्सक्राइबर ओनली मोड यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा जो लाइव है ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर देखो वन वेटिंग, क्योंकि नोटिफिकेशन जा चुका है। दोस्तों हमें नोटिफिकेशन भेजना था पहले से, क्यों, क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन लोगों तक तो पहले भेजेंगे तब उनको पता चलेगा कि हम लाइव आने वाले हैं चैनल पर, तो वो लोग उनको पता चल जाएगा कि भैया लाइव आने वाले हैं, तो हमें उस टाइम पर लाइव आना है उनके चैनल पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखो वेटिंग, इसीलिए हम शेड्यूल लगाते हैं ताकि लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, हमारी जो ऑडियंस है हमारे जो व्यूवर्स है उनको पता चल जाए कि लाइव आने वाले हैं, तो वो एकदम जान जाएंगे तो उसी टाइम पर एक्टिव हो जाएंगे अपने चैनल पर, ठीक है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन पहले भेजना पड़ता है ताकि उनको पता चले। अगर ऐसे ही लाइव चले जाओगे बिना नोटिफिकेशन भेजे तो कोई भी आपकी लाइव पर नहीं आएगा, और आता भी नहीं है। आप लोग कई सारे ऐसे लोग हो जो हमारे कमेंट करते हो कि सर मेरे लाइव पर कोई आता ही नहीं है, तो जब उनको नोटिफिकेशन नहीं दोगे, उनको बताओगे नहीं कि मैं लाइव आऊंगा, तो कैसे आ जाएगा लाइव ना, है ना। तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पहले से भेजना है। नोटिफिकेशन कैसे भेजा जाता है, शेड्यूल में लगाओगे तो नोटिफिकेशन अपने आप चले, यहाँ पे देखो लिख कर आ रहा है नोटिफाई मी, तो ऐसे ही आप अगर हमारे सब्सक्राइबर तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आता है। तो ये हो गया, यहाँ से इतना काम हमारा खत्म हो गया। अब जब हम लाइव जाएंगे दोस्तों तो क्या करना है, ध्यान से समझो, यहाँ पर जाएंगे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे की तरफ जो प्लस वाला आइकन है यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है यहाँ पर। अब जैसे 2 बजे यहाँ पर लाइव आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ साइड पर कैलेंडर बना हुआ है, यहाँ पर बन के आ रहा है, इसमें देखो रेड कलर से 1 लिखा हुआ है, तो इस पर हम करेंगे क्लिक। और जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो टाइमिंग लिखा रहा है 8 अक्टूबर 2 बजे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये थंबनेल लगाने के लिए फिर से बोला, क्योंकि हमने थंबनेल नहीं लगाया था, तो आप लगा लेना यहाँ पर थंबनेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ लिख के आ रहा है गो लाइव, तो इस गो लाइव पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो बस आप लाइव हो जाओगे, जैसा कि हमने यहाँ पर गो लाइव कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने गो लाइव किया तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स होंगे वो हमसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमारा लाइव ऑन हो चुका है, आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आप लाइव जा, यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली दिखा देते हैं, ये देखो यहाँ पर अभी कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है,
यहाँ पर देखो लाइव ज्वाइन नहीं हुआ है, कोई भी लाइक भी नहीं हुआ है, और यहाँ पर लाइव चल रहा है, देखो 15-16 सेकंड हो चुके हैं। तो जैसे जैसे लोग ज्वाइन होते जाएंगे तो यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और जितने लोग हमारे लाइव को लाइक करेंगे तो उतने वहाँ पर लाइक होना शुरू हो जाएगा, और जो चैट करेंगे तो यहाँ पर नीचे हमें लिखकर आना शुरू हो जाएगा। तो जो इस तरीके से आपको लाइव करना शुरू कर देना है, और जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो आपके लाइव पर नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही वो लाइव पर क्लिक करेंगे तो उनको यूट्यूब कहेगा कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद आप लाइव पर जा सकते हो। तो ये सब्सक्राइबर मोड होता है, इसको ऑन करना पड़ता है। और जो व्यूवर्स आपके चैनल पर आना चाहता होगा, जिसको आप मतलब कि उनको सब्सक्राइबर चाहिए, आपका टाइटल क्या है कि लाइव चेकिंग, अगर चैनल उनको चेक कराना होगा तो वो आपके चैनल पर जरूर आएंगे, आपकी लाइव पर आना चाहेंगे तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने से आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और उन भाई को मदद मिल जाएगी, उनका चैनल यहाँ पर लाइव चेक हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइव किया जाता है। अगर आपको अभी तक लाइव करना नहीं आता था तो आप इस वीडियो को देख करके लाइव कर सकते हो, और इसी तरीके से सभी लोगों को लाइव करना चाहिए। और मिनिमम समय आपका होना चाहिए कि 1 घंटे आपको लाइव आना है, डेली रेगुलर आना पड़ेगा। अगर नया क्रिएटर होगा, अगर आपको सब्सक्राइबर अपने चैनल पर बढ़ाने हैं तो आपको रेगुलर लाइव आना है, आधा से 1 घंटे तो आपको लाइव करना ही करना है, चाहे शाम के समय पे हो, लेकिन एक समय निश्चित करना होगा, उसी समय पर आपको आना है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लाइव करोगे तो आपका भी सब्सक्राइबर आसानी से बढ़ सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने ये प्लान आपको बताया, ये ट्रिक बताया, ये ट्रिक बड़े बड़े यूट्यूबर लगाते हैं अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, इसीलिए उनके तेजी से मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाते हैं, क्योंकि उनका बड़ा चैनल होता है और उनके चैनल में सभी लोग जाना चाहते हैं, बड़े यूट्यूबर के पास सभी लोग जाना चाहते हैं, तो वो लोग सब्सक्राइब करके उनके लाइव पर जाना है। आप लोग भी जा करके देखना, बड़े लोगों को जो लाइव होता है उस पर सब्सक्राइबर मूड लगा होता है, जब तक उनके चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप उनके लाइव पर नहीं जा सकते। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप लगाना शुरू कर दो, आज से ही आपका भी सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग लाइव पर ज्वाइन हो रहे हैं तो लाइव को भी लाइक कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना ख्याल रखना। तो चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो यहाँ से दोस्तों हम कर देते हैं लाइव को अपने एंड करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप होने के बाद ये लाइव हमारी हो जाएगी और ये लाइव अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पर, और वहां पर जाकर के इसको पब्लिक कर देना है, वहां पे अनलिस्टेड में होगी तो उसको अनलिस्टेड से पब्लिक कर देना है, या तो भी प्राइवेट होगी या तो अनलिस्टेड होगी तो उसको पब्लिक जरूर से जरूर कर देना, तभी वहां पर व्यूज आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हमारा वीडियो जब लाइव अपलोड होता है तो वहां पर व्यूज नहीं आता, जब आप प्राइवेट रखोगे तो कोई आके देखेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो उसको आपको पब्लिक कर देना है तभी आपका व्यूज काउंट होगा, अगर शॉर्ट फीड में भेजा होगा, अगर लॉन्ग टर्म में बनाया होगा तो आपका वॉच टाइम काउंट होगा। तो इस तरीके से आपको लाइव करना है दोस्तों।